तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, आपके पास अगर स्टूडेंट की लिस्ट दी हुई है और मार्क्स दिए हुए हैं और आप उनका प्रोग्रेस बार बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आज की इस वीडियो में आप ये बताऊंगा कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए भी बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास कितनी भी लिस्ट है, कितने भी दोस्तों लिस्ट में नाम है और आपके पास डाटा दिया हुआ है, मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट के, तो सिर्फ एक ही क्लिक में आप दोस्तों इस प्रोग्रेस बार को बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी। तो वीडियो बने रहिएगा, मैं आपके लिए बताता हूँ कि आप प्रोग्रेस बार को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपके पास ये स्टूडेंट की लिस्ट है और आपके पास उसके उनके मार्क्स भी दिए हुए हैं और आप प्रोग्रेस बार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिए करना पड़ेगा, सारा डाटा जो आपके पास दिया हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके लिए करना पड़ेगा, आप अगर एक एक डाटा करके दोस्तों लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है। उसके लिए भी ट्रिक है, आप वो ट्रिक अपना सकते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट के दोस्तों 100-150 लिस्ट नाम है, अगर आप वो डाटा यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लगेगा और कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो आप यहाँ पर जो फार्मूला है वो बना सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप इज इक्वल टू और ये डाटा जो है कंट्रोल इस पर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आके आप इंटरप्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं आपका जो डाटा है वो यहाँ से इस टाइम में दोस्तों कापी हो चुका है। अब आप क्या करना है, इस डाटा को लिखने के लिए आपके लिए सब डाटा आ जाएगा, आप सेव यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ला के छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका आ गया है। तो मेरा एक जो कॉलम है वो ज़्यादा सिलेक्ट हो गया है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका डाटा आ चुका है। सिर्फ दोस्तों कितने भी लंबी आपकी लिस्ट हो, सिर्फ एक ही क्लिक में आप शुरू से लास्ट तक का डाटा है वो कॉपी कर सकते हैं। अब आप लिए करना है इस सभी डाटा को दोस्तों मिडिल में सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर करना चाहते, नहीं दोस्तों आप लिए यहाँ से प्रोग्रेस बार बनाना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सब डाटा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लिए जाना है दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे दोस्तों, आपके लिए तीसरा ऑप्शन मिलेगा डाटा वार्स, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप जो भी डाटा वार यहाँ से लेना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से देख लेंगे और आप वो डाटा वार ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी डाटा वार लेना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा। इस प्रकार से इंटरफेस मिलने के बाद अब बात आती है दोस्तों कि आप यहाँ से देख सकते हैं इन नंबरों के लिए अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे, वो भी वही ट्रिक है। अगर दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कोई भी अगर आप नंबर चेंज करेंगे तो आपका डाटा वार जो है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए एक बार। तो एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों यहाँ से कंट्रोल वन प्रेस करेंगे। कंट्रोल वन प्रेस करने के बाद यहाँ से आप कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ से जो जर्नल है आप इसको हटा देंगे यहाँ से। तो इसको मैं जर्नल को हटा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं सेमी कॉलम 3 बार प्रेस कर लेता हूँ, 1, 2, 3 प्रेस करने के बाद यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपके जो नंबर थे दोस्तों हट चुके हैं, आपका सिर्फ प्रोग्रेस बार यहाँ से शो होगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्रेस बार को बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से कोई भी संख्या आप मिडिल हटाएंगे, यहाँ से कम्बल करेंगे तो आपका प्रोग्रेस बार जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई भी प्रोग्रेस बार कम करेंगे, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ से 4-4 कर देता हूँ, यहाँ से 2-2 कर देता हूँ, तो आप जैसे यहाँ पे इंटरप्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्रेस बार को बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।